का जो उसका फाइबर होता है उसमें फिर आयरन होता है जो कि आपकी मतलब रेड ब्लड सेल्स को बढ़ाता है, जिसकी वजह से रेड ब्लड सेल्स बढ़ने की वजह से आपका खून बढ़ता है दोस्तों, आपकी बॉडी का खून बढ़ता है, आपकी बॉडी के अंदर नया खून आता है। तो मतलब सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल एथलीट आकाश। माय नेम इज आकाश एंड आई एम एथलीट। सो टुडे आई विल क्रिएटिंग अनदर न्यू वीडियो एंड दैट इज द मोस्ट इन्फॉर्मेशनल वीडियो। तो आपको दिख रहा होगा पीछे कितनी ज्यादा ठंड है दोस्तों, कितना ज्यादा फॉग है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी मैं रिसेंट जहाँ खड़ा हूँ यहाँ कितनी ज्यादा ठंड होगी। दोस्तों इतनी ठंड में मैं ये वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ सिर्फ आपके लिए। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ 6 ऐसे फूड्स के बारे में जो कि ठंड में आपको खाने चाहिए। फूड्स को अपने डाइट में जरूर ऐड करें, ये ठंड के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल फूड है। इससे आपकी बॉडी फिट रहेगी, एनर्जेटिक रहेगी, आपको ठंड नहीं लगेगी, आपको सर्दी खांसी जुकाम कुछ नहीं होगा पूरी ठंड अगर आप इस डाइट को बस अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं। तो दोस्तों जो हमारा फर्स्ट पावर फूड होने वाला है विंटर्स के लिए वो है हमारा शकरकंदी। जी हाँ दोस्तों, शकरकंदी ये एक ऐसा फूड है जो कि आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा गर्म रखेगा और साथ ही साथ दोस्तों इसके अंदर होता है विटामिन सी, विटामिन सी जो आपकी बॉडी को हाइड्रेट भी रखेगा, जिससे आपकी फेस का ग्लो भी अपने आप निखर जाएगा। तो ये फूड आप अपनी सर्दियों में जरूर ऐड करें, शकरकंदी बहुत अच्छा फूड है। सेकंड जो दोस्तों हमारा पावरफुल फूड है उसका नाम है दोस्तों तिल। जी हाँ दोस्तों, तिल एक बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल फूड है, बहुत ही ज्यादा। ये मान के चलो दोस्तों ये बहुत बड़ा एक कॉम्बो होता है ना, जो बहुत सारी चीजें मिक्स होती है जिसमें बहुत सारी मतलब फायदे ही फायदे हैं इसमें। तो तिल में क्या होता है दोस्तों, प्रोटीन होता है तिल में, आयरन होता है तिल में, जिंक होता है तिल में, कॉपर होता है तिल में। तो इतनी सारी चीजें तिल के अंदर होती है, तो इसलिए और साथ ही साथ ये बहुत गर्म भी होता है दोस्तों। तो सर्दियों में आप तिल का बहुत ज्यादा यूज कर सकते हैं, तिल आपकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। थर्ड दोस्तों मूंगफली। दोस्तों मूंगफली बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है दोस्तों, कैसे बताऊं मैं आपको। मूंगफली एक तो इतनी ज्यादा सस्ती मिल जाती है दोस्तों, आप मूंगफली में प्रोटीन होता है, आयरन होता है, अच्छा विटामिन ई होता है, साथ ही साथ ये बहुत ज्यादा गर्म भी होता है, तो आपकी बॉडी को गर्म रखेगा। दोस्तों जो हमारा फोर्थ विंटर पावर फूड होने वाला है उसका नाम है गुड़। जी हाँ दोस्तों, उसका नाम है गुड़। दोस्तों गुड़ एक बहुत ही ज्यादा फायदेमंद फूड है अगर आप इसको विंटर में लेते हैं तो। इसके अंदर दोस्तों होता है कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉलिक एसिड, फॉस्फोरस। तो ये चार चीजें इसके अंदर होती है। कैल्शियम जो आपकी बोन्स के लिए बहुत ज्यादा बेस्ट है, मैग्नीशियम आपकी जो भी मतलब जॉइंट्स है और भी जो भी इनर मसल्स हैं उनके लिए बहुत ज्यादा अच्छा है दोस्तों। जो एक फॉलिक एसिड, ये आपकी जो फॉलिक एसिड जो आपके अंदर की जो मतलब गंदगी है उसको साफ करता है आपके। तो आप विंटर्स में गुड़ को जरूर अपनी डाइट में ऐड करें, और मैं तो ये कहूंगा दोस्तों गुड़ तो हमेशा आप अपनी डाइट में रखें। तो फिफ्थ जो हमारा विंटर फूड होने वाला है वो दो तीन चीजें मैं बताऊंगा आपको, वो जैसे आप अदरक अपने खाने में या अपने डाइट में जरूर ऐड करें। अदरक बहुत गर्म होता है जो कि बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। और साथ ही साथ दोस्तों लहसुन, लहसुन अगर आप खाना बनाते हैं तो जितना आप डालते थे उससे दो और ज्यादा डाल सकते हैं या तीन चार और ज्यादा डाल सकते हैं अपने खाने में, क्योंकि लहसुन में दोस्तों एक ऐसी मतलब एक ऐसी एनर्जी होती है जो कि मतलब आपको ठंड से बचाएगी। अगर आपको खांसी सर्दी जुकाम है तो ये सारी चीजें आपको दूर रहेंगी लहसुन से। आपको ठंड जैसे ठंड लग जाती है किसी को तो लहसुन उसमें बहुत ज्यादा बेस्ट माना जाता है। तो मतलब आप इसलिए लहसुन और अदरक को अपनी डाइट में जरूर ऐड करें। चाय के साथ भी अदरक ले सकते हैं, खाने में आप अपनी लहसुन की रिक्वायरमेंट को थोड़ा ज्यादा बढ़ा सकते हैं। सिक्स दोस्तों जो हमारा विंटर पावर फूड होने वाला है वो है दोस्तों आज की जो ठंडी का मौसम है, जो विंटर का मौसम होता है उसमें बहुत सारी हरी सागें आती है। जी हाँ दोस्तों, उसमें बहुत सारी हरी सागें आती है, जैसे पालक, मेथी, बथुआ, इन सब सागों का आप उपयोग कर सकते हैं। क्यों दोस्तों, इनके अंदर बहुत ज्यादा विटामिन्स होते हैं और इनके अंदर फाइबर्स होते हैं। तो जैसे मैं आपको बता दूं कि इनके अंदर कौन कौन से विटामिन्स होते हैं, तो दोस्तों जैसे हरी साग आपने ली तो उसके अंदर आपका होता है विटामिन बी, B2, B3 और साथ ही साथ उसमें दोस्तों फाइबर होता है, उसमें फिर आयरन होता है जो कि आपकी मतलब रेड ब्लड सेल्स को बढ़ाता है, जिसकी वजह से रेड ब्लड सेल्स बढ़ने की वजह से आपका खून बढ़ता है दोस्तों, आपकी बॉडी का खून बढ़ता है, आपकी बॉडी के अंदर नया खून आता है। तो मतलब नया खून जब आपकी बॉडी में बनता है तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील करती है, बहुत ही एनर्जेटिक फील करती है। तो इसलिए दोस्तों विंटर्स के मौसम में आप हरी सागों का इस्तेमाल ज़रूर करें, ये आपकी डाइजेशन के लिए भी बढ़िया रहेगा, आपकी बॉडी के लिए भी बढ़िया रहेगा और आपको ठंड से भी बचाएगा। तो ये थी दोस्तों 6 बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल विंटर फूड्स
जो कि आपको अपनी डाइट में विंटर्स में जरूर ऐड करनी चाहिए। और इनको ऐड करने से आप अपनी बॉडी में अलग ही लेवल की ताकत फील करेंगे, अपने आप को बहुत ही अच्छा महसूस करेंगे। तो आशा करता हूँ मेरी वीडियो से आपको कुछ हेल्प होगा। अगर मेरी वीडियो से कुछ हेल्प हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, टाटा, मिलते हैं ऐसी एक नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।